अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये अफगानिस्तान के मामलों के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से ताज़ा कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। सुबह हिरात के अंदर अफगान तालिबान ने एक बड़े काबुल फौजी अड्डे पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसी तरह से सुबह नंगरहार के अंदर, सुबह हेलमंद के अंदर, बगलान के अंदर, लखमान के अंदर और पक्तिका के अंदर भी तालिबान की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। इन कार्रवाइयों के अंदर अफगान तालिबान का दावा है कि 30 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं। यूँ मजमू तौर पर आज 70 से ज्यादा काबुल फौजियों को हलाक करने का अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं। इसके अलावा नसी काम काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि उनके खुफिया कमांडोज ने ऑपरेशन करके 28 के करीब कैदियों को रिहा करवा लिया है तालिबान की कैद से, और इसी तरह से तालिबान के मुतअद्दिद बड़े बड़े मुजाहिदीन को शहीद करने का भी काबुल हुकूमत दावा कर रही है। इसके अलावा नसी काम काबुल हुकूमत की जानब से एक दावा यह भी सामने आ रहा है कि नंगरहार के अंदर अफगान तालिबान के एक बड़े कमांडर को पाकिस्तान के सूबा केपीके के अंदर शहीद किया गया है, लेकिन तालिबान की जानिब से इन खबरों की तर्दीद कर दी गई है। साथ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से बयान दिया गया है कि अगर अमरीका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखिला में ताखिर की या फौजें बर वक्त ना निकालें तो इससे मजीद अमरीकी मारे जा सकते हैं अमरीकियों को, और इसी तरह से अफगान शहरियों को काफ़ी नुकसान होगा। लिहाजा जो बाइडन की हुकूमत ने कहा है कि वह अपने शहरियों को फौरी तौर पर, अपने अमरीकी फौजियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकालेंगे ताकि मजीद बदमनी से बचा जा सके, ताकि मजीद अमरीकियों को कत्ल करवाने से रोका जा सके। नाज़रीन, काम यही मुतालबा अफगान तालिबान भी अमरीका से कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान की बात शायद अमेरिका को समझ नहीं आ रही है और अब अमेरिका के दरमियान, अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी जो फौज है उनके दरमियान काफ़ी शदीद इख्तलाफात भी इसी हवाले से पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम पाकिस्तान के जंगी तैयारों के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान ने चाइना की मदद से JF-17 थंडर तैयारे बना रखे हैं जो दुनिया भर के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इन्हीं JF-17 तैयारों के जरिए से भारत के 3 जंगी जहाज भी मार गिराए थे 2 साल पहले, जिसके बाद इसकी मांग में इजाफा हो चुका है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मलेशिया पाकिस्तान से जदीद लड़ाका JF-17 तैयारे खरीदना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान से राबते और मुजाकरात भी शुरू हो चुके हैं। मलेशिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने कहा है कि 40% से ज्यादा जो जंगी जहाज हैं उनको अपग्रेड करना या नए खरीदना जरूरी है। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ नजरें हैं, लेकिन भारत का झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि JF-17 तैयारों के मुकाबले में मलेशिया भारत के कचरा जहाज, जिनका नाम तिजास है या तीजा जहाज है, उसे खरीदेगा। हकीकत यह है कि भारत का तिजास या तीजा जहाज पाकिस्तान के JF-17 तैयारों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता है और ना ही वह बिल्कुल इसके उसे मुआजना इसका किया जा सकता है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत और दरिंदगी के हवाले से है। माह मुकद्दस जारी है, रमज़ान मुबारक के अंदर भारतीय फौज मुख्तलिफ तरीक़ों से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। एक तरफ से भारतीय फौज की गाड़ियों पर सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं और इसी तरह से कश्मीरियों के हक़ में नारे लिखे हुए हैं ताकि कश्मीरी भारतीय फौज पर हमला ना करें और मुजाहिदीन के हमले भारतीय फौज पर ना हों और कश्मीरियों के दिल जीतने की मसनूई तौर पर भारतीय फौज कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से माह रमजान के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को हिरासा और तंग किया जा रहा है। ताजा कार्रवाइयों में मजीद 5 कश्मीरी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसी तरह से सहरी और अफतारी के दौरान भारत की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को बंद कर दिया जाता है ताकि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो सके। ये मजालिम मकबूजा कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के जरिए से जो वहां के कश्मीरी अफसरान हैं, एहलकार हैं, जो कश्मीर के सरकारी इदारों के अंदर जॉब्स करते हैं, उनको हिरासत किया जा रहा है और उन्हें ज़बरदस्ती मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। यह बर्बरियत है, यह दरिंदगी है भारतीय फौज की जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है, और भारत चाहता यह है कि फिर भी मकबूजा कश्मीर के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम हो जाएं। लिहाजा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं जब तक आर्टिकल 370 को भारत वापस नहीं लेगा
तब तक ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। और नाज़रीन काम, हमारी इत्तला ये है कि भारत इस हवाले से बहुत मजबूर हो चुका है, अब आर्टिकल 370 के फैसले को वापस लेगा और कश्मीर की शनाख्त बहाल की जाएगी और ये यकीनन पाकिस्तान की और कश्मीरियों की बड़ी फतह होगी। बहरहाल नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है। यह नाज़रीन काम, भारत के आर्मी चीफ ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि LOC पर जब से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का फरवरी से, तब से कोई भी गोली नहीं चली है, ना भारतीय फौज ने कोई फायरिंग की है, ना ही पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की तरह चाइना से भी इसी तरह ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए से एग्रीमेंट करना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ अब अपनी शिकस्त को खुद तस्लीम कर रहा है। वो फिरौनियत आखिर कहाँ गई भारतीय आर्मी चीफ की, जब वो ये धमकियाँ दिया करता था कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे और इसी तरह से चाइना के मुकाबले में हमारी ताकत ज़्यादा है। आज भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान से, चाइना से भीख मांग रहा है कि हमारे खिलाफ हमला ना किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के एक थिंक टैंक ने कहा है, मशवरा दिया है मोदी हुकूमत को कि इसराइल, अमेरिका और भारत, इन तीन मुल्कों का ट्रायंगल बनाना चाहिए और इन तीन मुल्कों का मुश्तरका एक अलायंस हो जिसके ज़रिए से पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भारत शिकस्त दे और भारत चाइना और पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला कर सके। जिसका मतलब ये है कि अब इसराइल से बराह रास्त भारत मदद तलब कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लिहाजा पाकिस्तान को मजीद हसास रहना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत से आने वाले हर तरह के शहरियों को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। भारत के अंदर कोरोना वायरस इस कदर फैल चुका है, अस्पतालों में जगह कम हो गई है, अब फौज के अस्पताल भी बाकायदा सिविलियन के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि कोरोना से निपटने में मदद मिल सके। हजारों की तादाद में लोग रोजाना भारत के अंदर हलाक हो रहे हैं, लेकिन मोदी दहशतगर्द को प्रॉक्सी वार से, सियासी दंगा फसाद से फुर्सत नहीं है। नाज़रीन काम, आगे लेते हैं जो आज की पांचवीं बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा इमारात के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जो मामलात हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई है। साथ साथ नाज़रीन काम, सऊदी अरब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात बेहद ज़्यादा हैं, उनकी मुश्किलात के हल के लिए जो डिप्लोमेट्स हैं उनको समन जारी किए गए हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के सऊदी अरब के अंदर मसाइल को हल किया जाए। इस हवाले से सऊदी अरब के अंदर जो सफारतकार हैं आमतौर पर वो गफलत और लापरवाही बरतते हैं, आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे, शाह महमूद कुरैशी ने यकीन दिलाया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे सऊदी अरब की दावत दी गई थी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से। अब मोहम्मद बिन सलमान की इस दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या तो रमज़ान के आखिर में या फिर रमज़ान के बाद सऊदी अरब का इंतहाई हाई लेवल दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से जो डेडलॉक था वो खत्म हो चुका है, मामला हल हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें इस पर भी सियासत कर रही हैं कि आखिर ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों हुए हैं, अगर इनसे मुज़ाकरात ही करने थे तो फिर इन्हें कलअदम क्यों करार दिया गया। जल्दबाजी में कुछ नाअहल अहमक लोगों के इस फैसले की वजह से हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन अब अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, अपोजिशन इस पर भी सियासत चमका रही है। बहरहाल नाज़रीन काम, आगे बढ़ते हैं जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम तुर्की से है। तुर्की नाज़रीन काम ड्रोन तैयारों की प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है तुर्की के ज़राए अब्लाग पर कि 140 से ज़ायद अब तक ड्रोन तैयारे बनाए जा चुके हैं। 51 और बेरकदार नामी ये ड्रोन तैयारे हैं जो दुनिया के टॉप के ड्रोन तैयारे हैं। यही वजह है मराकेश और दीगर मुल्क तुर्की से ये ड्रोन तैयारे खरीदने जा रहे हैं, इससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह से एक और खबर सामने आ रही है कि तुर्की और ग्रीस के दरमियान, यूनान के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए से इख्तलाफात को हल करने पर इत्तिफाक हो रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा तुर्क शहरियों को अब तक कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के हवाले से तुर्की के अंदर हाई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक खबर सामने आ रही है तुर्की की अदालत में यह बात साबित हुई है कि साल 2016 के अंदर गालिबन जिस रशियन एम्बेसडर को कत्ल किया गया था तुर्की में, जिस शख्स ने कत्ल किया था वह फतुल्ला गोलन नामी तंजीम का सीक्रेट कारिंदा था जो तुर्की के आला इदारों के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाइयां करवा के तुर्की की हुकूमत उर्दगान के लिए मुश्किलात का सबब पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल और फलस्तीन से है। नाज़रीन काम, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं इसराइल के अंदर नेतन्याहू को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
एक पार्लियामेंट की एक बड़ी आला कमेटी है उसमें नेतन्याहू को शिकस्त हो चुकी है, यहाँ तक कि नाज़िकाम नेतन्याहू को इक्तदार से रोकने के लिए एहतजाज मुसलसल जारी है। और इसी तरह से अब इसराइल के अंदर एक नया कानून भी लाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म का ओहदा तख्लीक करके बराह रास्त आवाम के वोटों के ज़रिए से वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाए। इसके लिए नाज़िकाम एक नई कानून साजी भी हो रही है कि बाकायदा आवाम से वोट लेकर वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाए। आप जानते हैं नेतन्याहू 2 साल के अंदर 4 बार इलेक्शन करवा चुके हैं लेकिन वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से अब 5वीं बार भी इलेक्शन की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसी तरह से नाज़िकाम फ़लस्तीनियों की जानब से यहूदी फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों ने यहूदी फौजियों की कई गाड़ियाँ जला दी हैं। इसके अलावा नाज़िकाम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुत्तहिद अरब इमारात और इसराइल के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के नए एग्रीमेंट हुए हैं। इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि बाकायदा दफातर इसराइल के अंदर और यूएई के अंदर खोले जाएंगे, लेकिन मुत्तहिद अरब इमारात इसराइल को तस्लीम करके अपनी सलामती को दाव पर लगा रहा है। माहिरीन इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। पाला नाज़िकाम आगे बढ़ते हैं, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह नाज़िकाम ईरान और इसी तरह से सऊदी अरब और इराक के मामलों के हवाले से है। नाज़िकाम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि न्यूक्लियर डील के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। ये यूरोपीय मालिक की जानब से कहा जा रहा है कि जौहरी डील ईरान के साथ यूरोप और अमेरिका करना चाह रहे हैं ताकि ईरान को एटमी हथियारों से रोका जाए, और ये डील आगे बढ़ रही है। ईरानी हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। साथ साथ नाज़िकाम एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान की जानब से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी लॉन्च कर दिया गया है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि हमारे पास हर तरह की जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे इसराइल और अमरीकी हमलों को रोका जा सकता है। इसके अलावा नाज़िकाम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बैकडोर राबते इराक के ज़रिए से जारी हैं। दुनिया भर के अंदर इसकी बास गश्त सुनाई जा रही है, जबकि नाज़िकाम मुस्तफ़ा काज़मी जो इराक के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि इराक के अंदर गैर मुल्की फ़ौजों को वार्निंग दे दी गई है कि जल्द से जल्द फौजी इनखिला करें ताकि इराक के अंदर अमन व अमान बहाल हो सके। और इसके अलावा जो मुसल्ह तनजीमें हैं ईरान नवास उनके खिलाफ भी इराकी हुकूमत ने क्रैकडाउन करने की धमकी दे दी है। आगे बढ़ने को हम आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िकाम फ्रांस से है। फ्रांस के हवाले से नाज़िकाम एक ताज़ा तहकीकी रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि रवांडा अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ पर फ्रांस ने बदतरीन नस्ल कुशी की है अफ्रीकी लोगों की। ना सिर्फ नाज़िकाम रवांडा के अंदर बल्कि अफ्रीका के अक्सर और बेशतर मालिक के अंदर फ्रांस ने इस्तेमारी दौर में नस्ल कुशी की है, यहाँ तक कि नाज़िकाम अलजज़ायर जो मुसलमानों का मुल्क है वहाँ पर मुसलमानों की खोपड़ियाँ कत्ल करके उनको काट कर फ्रांस के म्यूज़ियम तक के अंदर रखी गई हैं। और अब इन मुल्कों के अंदर बाकायदा फ्रांस के खिलाफ बगावत खड़ी हो रही है और फ्रांस से माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है। अगर दीगर ममालिक भी इसी तरह से इस्तेमारी दरिंदों से यही मुतालबा करें तो शायद आज यूरोप की जो मसनूई तरक्की है वो ख़त्म हो जाए और उनको उनकी दरिंदगी से का जो सबक है इबरतनाक सबक वो भी सिखा दिया जाए। बारह काम आगे बढ़ते हैं, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़िकाम अमरीका से है। अमरीका के अंदर वीकेंड पर 6 से ज्यादा बार हमले हुए हैं जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। जो बाइडन की हुकूमत शदीद परेशान है कि गन कल्चर को कैसे रोका जाए। अमेरिका के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हैं, एक तरफ से वाइट सुप्रीमेसी के हामी खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से सियाफामों के कत्ल का मामला इस वक्त जेर गर्दश है। अदालतों से भी सियाफामों को रिलीफ नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हुकूमत काफ़ी मुश्किल का सामना कर रही है। इसी तरह से नाज़िकाम शुमाली आयरलैंड से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर भी हालात कशीदा हो चुके हैं पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से, पुलिस को और इसी तरह से हुकूमती इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ नाज़िकाम बरतानिया से भी कुछ खबरें इसी तरह की सामने आ रही हैं कि बोरिस जॉनसन की हुकूमत को शदीद तनाव का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन बोरिस जॉनसन की हुकूमत से खुश नहीं है, कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। और इसी तरह से बरतानिया से खबर यह भी है कि बरतानिया ने बिटकॉइन के मुकाबले में एक बरतानवी कॉइन निकालने का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर के अंदर डिजिटल करेंसियों के हवाले से खबरें सुनी जा रही हैं। चाइना ने इसका अमली तौर पर आगाज कर दिया है, पाकिस्तान भी आगाज करने जा रहा है और बरतानिया के अंदर भी इसका आगाज हो रहा है। बारह दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।